मध्य प्रदेश में 2023 यानी कि ये साल चुनावी साल है। चुनावी साल में चुनावी सरगर्मियां जो है वो बढ़ गई है, आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी बढ़ चुका है। हाल ही में बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ के ऊपर निशाना साध रहे हैं, वहीं कमलनाथ भी ट्विटर के माध्यम से शिवराज के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर जो वचन पत्र 2018 में कांग्रेस लेकर आई थी उसके वचन पूरे क्यों नहीं हुए हैं। क्या कुछ कहा है सीएम शिवराज ने, एक बार आप भी सुनिए। मेरे सवालों से भाग रहे हैं, पूछ पूछेंगे सब लोगों के लग गया। तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किए, इतने झूठ बोले पूरे नहीं किए। अब मैंने झूठ बोझ बोल रहे ये कर देंगे। आज का मेरा सवाल है, कमलनाथ जी ने ये कहा था 2018 के वचन पत्र में, कृषक कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि 51,000 दी जाएगी और 2.5 एकड़ तक के किसान इसके पात्र होंगे। अब ये कृषक कन्या विवाह सहायता योजना तो प्रारंभ की नहीं कमलनाथ जी, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी उसमें भी 51,000 की बात करके आपने फेरे पड़वा दिए, डोली उठवा दी, बेटी ससुराल भिजवा दी, लेकिन ढेला नहीं दिया ढेला। अब जवाब तो देना पड़ेगा, इसलिए कमलनाथ जवाब दे, बेटियों के खाते में पैसे क्यों नहीं आए जिनकी शादी हुई थी और कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन सवालों का कमलनाथ ने भी जवाब दिया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की बीजेपी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कमलनाथ दिखाई दिए हैं। कमलनाथ ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे हैं। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी कुछ लोग इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि उन्हें देखकर झूठ भी शर्मा जाता है। मंदसौर में किसानों की छाती पर गोली चलाने वाले, किसानों की जमीन हड़पने के लिए केंद्र से कानून बनाने वाले, किसानों के बच्चों को गाड़ी से कुचल देने वाली पार्टी के लोग आजकल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आगे कमलनाथ ने लिखा कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके दृष्टि पत्र में आपने वादा किया था कि आप दलहन की 100% खरीद सुनिश्चित करेंगे, कि आपकी सरकार किसानों के 100% दलहन खरीद रही है। बेमतलब की जुमलेबाजी छोड़कर किसानों की तरफ देखिए और उनसे जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए। इसके अलावा कमलनाथ ने आगे लिखा कि मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि आप चिंता मत करिए, शिवराज जी के अभिनय वाली फिल्म 6 महीने और बची है, उसके बाद हम सब सत्य की डगर पर चलेंगे और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। आपको बता दें कि लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ को 2018 का कांग्रेस का वचन पत्र याद दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कमलनाथ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2023 वो साल है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी पारा लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ता सा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही एमपी तक के साथ।